सरकार को कैसे देखते हैं, जो योगी 2.0 है, जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, उस पे आप कैसे देखते हैं कि ये किस स्थिति में चल रही है? क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं जो प्रदेश में हो रही है, उसको देख के आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे देखने ना देखने से और मेरे लगने लगने से फर्क नहीं पड़ता, जनता क्या लगता है। मैं भी जनता का ही एक, जनता में से एक व्यक्ति हूँ। ये हम लखनऊ खड़े हैं, ये प्रदेश की राजधानी, तो मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जीरो टॉलरेंस और तमाम तरह की चीज़ें, कल वो सदन में भी बोल रहे थे, मगर क्या हम ललितपुर को भूल सकते? तो थाने में ही पीड़िता के साथ रेप हो जाता है, नाबालिग पीड़िता के साथ। क्या हम बहन निशा यादव को चंदौली में भूल सकते हैं कि पुलिस जाके पीट पीट के हत्या कर देती है? एक दो मामले नहीं है, ऐसे अनगिनत मामले जो रोज होते हैं। अभी एक और मामला हुआ था, पुलिस ने जो है पीट पीट के, एक बच्चा मुस्लिम कहीं आया था वो अपने घर पे किसी प्रोग्राम में शामिल होने, उसकी उसको पीटा, उसकी मां रोकने का प्रयास किया तो उसकी मां की डेथ हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है ये बहुत संवेदनशील मामला है, पुलिस को चाहिए था कि तत्काल, मेरा ऐसा मानना है सारी बातों को जानने के बाद, अगर इनके जाने के बाद पुलिस ने ईमानदारी से इनकी एप्लीकेशन पे काम किया तो वो बेटी आज हमारे भी जिंदा होती, उसके जीवन को सुरक्षित रख पाते। तो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जीरो टॉलरेंस, योगी 2.0, उन सबका सच ये है कि अगर बेटी घर से बाहर निकल रही है तो उसको ये नहीं पता कि वो जिंदा वापस आएगी या हमारे दिन में वापस आएगी। ये है योगी 2.0 और लखनऊ प्रदेश की राजधानी में इस बात का पुख्ता प्रमाण है ये वाला, ये घटना जो FIR है 00044। दो, इसमें हत्या हुई है, परिवार का कहना है रेप हुआ है, लड़की गायब रही है, मुख्य आरोपी अब मेरे ट्वीट करने के बाद और मेरी घोषणा के बाद कि मैं मिलने आऊँगा तब जाके एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, दो आरोपी जो उसके साथी थे वो फरार, दो आरोपी जिन पे 366 लगाया था उनको 7 दिन बाद बेल भेजा। ये है योगी 2.0 जिसमें गरीब लोगों घर पे बुलडोजर चलता है और अपराधियों को संरक्षण मिलता है, जाति धर्म देख के कार्रवाई होती है। अगर आरोपी बहुजन समाज से है तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, आरोपी मुख्यमंत्री के सह जाति या मुख्यमंत्री की जाति के आसपास के लोगों से है तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। ये हमने हाथरस में भी देखा, ये हमने उन्नाव में भी देखा, कानपुर में भी देखा, ये हमने चंदौली में भी देखा। जैसे ललितपुर के SHO गिरफ्तार हो सकते, चंदौली के SHO गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सच ये है कि मुख्यमंत्री संविधान से नहीं मनुस्मृति से प्रदेश चला रहे हैं और इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में लड़े, काशीराम साहब के नेतृत्व में लड़े और अब भी लड़े, लेकिन हम अन्याय सही। तो चंद्रशेखर आजाद रावण का